क्या हो रहा था चंदा जी? कौन सा ये अभी जो चिल्ला के गए हैं? हाँ जी? हाँ, ये ऐसा है मतलब गांव में कुछ मीटिंग करना है, कोई आया है, प्रोग्राम है, तो बाय फोन तो है नहीं, फोन है नहीं यहाँ पे, इसीलिए मतलब वो चिल्ला के यहाँ मतलब से मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है, किसको चिल्लाया? नहीं नहीं, वो घर घर में खबर भेज रहा है। अच्छा, यहीं से? यहीं से हाँ, चिल्ला के कि अमुक घर में आके बैठना है सभी को। तो उन्होंने क्या बोला अभी चिल्ला के? देवान रंग, देवान रंग कलिम कलिम इना, देवान रंग कलिम इना, ऐसा चिल्लाया। मतलब देवान, मतलब देवान मतलब मीटिंग कमिटी, वो अमुक घर में हम लोग बैठेंगे। So we have reached to a certain household that Kelma has brought us to, and he's going to surprise us with a certain thing. I don't know exactly what, but Kelma ji, आप हमें अभी क्या दिखाने वाले हो? मैं हमारा जो सकच खेलमा ट्रेडिशनल जो हम लोग पूजा करने का जो पद्धति है वो तो मैंने आपको दिखाया। पूजा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ये एक ड्रिंक लेता है। ड्रिंक? हाँ, तो ड्रिंक लेने में हम लोग का ये अलग अनकॉमन है। हाँ। कि हम एक माटी का घड़ा बैठा के उसमें हम मिलजुल के सभी मिल के पीते, एक बार एक सबसे मतलब किसी किसी कंटेनर में लेके नहीं, बाउल में लेके नहीं पीते। हाँ नहीं नहीं, तो क्या है सबसे बुजुर्ग जो है वो पिएगा, इसके बाद इससे जो छोटा है इससे छोटा ऐसा लाइन। सो एज वाइज, एज वाइज आएगा। क्या कहते हैं उसका, राइस बियर ही होगा? राइट, हाँ राइस। तो आपके लैंग्वेज में क्या है इसे? उसको जू बोलते हैं। जू, जू मींस तो जू किया जाए। तो जू किया जाए। हाँ हाँ, कौन सबसे बुजुर्ग? सबसे बुजुर्ग जो है वो जाएंगे अभी। सर प्लीज, आप सबसे पहले आप ही ट्राई कीजिए। What I understand is like there is a bamboo straw which everyone has to take their turns. And it goes age-wise. Age-wise, yeah. Okay, I think it's very interesting though. Okay, one's done. और आपने बोला भी था कि कोई अभी कुछ बांसुरी बजाएगा। हाँ, वो ये पीने के बाद, पीने के बाद जब थोड़ा नशा चढ़ जाएगा तब मजा आएगा। Next कौन है? Next कौन है? Next कौन? आएंगे वो। चाय, गबुरा। इसके हिसाब से तो हमारा नंबर आएगा ही नहीं। कहीं खत्म ना हो जाए। So this is my chance. It has a very distinctive taste. I'm very sure this is rice beer because it has the grainy taste into it, and it's kind of sweet. So I think I can have more, but then this is not the ritual, so leaving it. The youngest one gets the turn. It's actually tasty. I won't talk anything else. Won't say anything else. Brilliant. भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्याम सोन खेलमा। श्याम श्याम खेलमा श्याम। हाँ। ओके श्याम जी, अभी आप जब ये मार रहे थे ना, निशाना हाँ। लगा रहे थे। हाँ। तब मैंने नोटिस किया कि आपके धनुष में धागा ही नहीं है, विच इज रियली सरप्राइजिंग बिकॉज आई हैव नेवर सीन
a bow without a string which is not made of a thread or a wire. This is made of bamboo. अब इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ जी, ये हो गया आपका, ये नहीं गिरने के लिए, और ये हो गया रेडी. और ये जो सामान है ये आपका बेत से बना हुआ है. बेत को छिल के वो इसको परला से बना के. अच्छा, ये बांस ही है ना? बांस नहीं, वो बेत है. हाँ, this is cane, not bamboo, by the way. Okay, not bamboo. ये बेत से बना हुआ है और इसको इसलिए बनाया गया है कि ताकि गोली को इस तरह पकड़ सके. Okay. ये वाला, ये तो बैम्बू है ना? हाँ जी, ये बम्बू है. हाँ. और इसको पकड़ने का सुविधा होने के लिए इसको इस तरह बनाया गया है. Okay. ताकि हाथ को चुटना है. Okay. और आप इसमें से निशाना लगा के आप चिड़िया बिड़िया, जी हाँ, कुछ भी भगा सकते हो. हाँ, शिकार कर सकते हो. हाँ. या चिड़िया को या दूसरा कुछ चीज को भी, जो जो खेती को नुकसान पहुंचे उनको भगा सकते हो. जो नुकसान पहुंचाता है उनको खेदाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके ओके. मैंने बहुत सुना है कि आपका निशाना बहुत अच्छा है. वो उस टाइम से मेरे को ये सुकल्पा बोल रही है कि मैंने इनका निशाना देखा हुआ अच्छा है और इनका निशाना सच में बहुत अच्छा है. शायद अगर इनको सुविधा दिया जाता तो फिर शायद ये नेशनल्स वगैरह में भी जा सकते थे. लेकिन फिर भी आप हमें एक बार दिखा दीजिए. कहीं पे? वो पेड़ पे लगा के बताइए. उस पेड़ पे, उस ब्राउन कलर पेड़ पे. एक्चुअली हम लोग अभी वीविंग के वहाँ से आया, जहाँ पे आप लोग कपड़ा बना रहे थे ना, वो पूरा सूता काटने से स्टार्ट करके सब कुछ हम लोग अभी देख के आए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग लगा. लेकिन अभी जो ये गारमेंट्स है, इन सब का नाम जानने का बहुत मन कर, स्पेशली इसका कम आउट कमा. यूडी इज फाइंडिंग इट सो वेरी कम्फर्टेबल टू स्टे इन साइड दैट ही इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कम आउट. कैन वी जस्ट ओपन इट फॉर अ व्हाइल एंड शो इट टू द पीपल? Yeah. इसका नाम क्या है? मुलरी. इट कैन बी यूज बोथ एज अ मैट्रेस एंड अ ब्लैंकेट. आई वुड प्रिफर इट एज अ ब्लैंकेट. इट्स मेड आउट ऑफ दिस रॉ कॉटन. शी इज ऑल्सो कैरिंग अ सैम्पल. दे जस्ट ट्विस्ट इट एंड स्टिच इट ओवर द हार्ड वुवन. ये भी सेम ही है ना? ये सेम, ये नहीं टूटा के ऐसा सीधा दे देता है. अच्छा, इसको नहीं जोन खांग कहते हैं. जोन, आई थिंक यू ट्विस्टेड इन द रॉन्ग वे. द अदर साइड. नो, या दिस इज मोर कलरफुल. ओके, यू कैन पुट इट बोथ वेज एक्चुअली. इवन दिस एक्ट्स लाइक अ मैट्रेस और अ ब्लैंकेट एज शी सेड एंड इट्स वे टू कलरफुल. आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग वेरी वेरी रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग सच ब्यूटी आउट ऑफ इट. व्हाट डू यू से? या एब्सोल्युटली. एंड इसको क्या कहते हैं आप लोग? जोन खांग. जोन खांग, जोन खांग पूरा ही दे देता ना सीधा. जोन खांग तो सुकल्पा. और हम लोग को वो एक ही कलर मिलता ना सफेद जी, तो वो काला, ये काला कलर देने के लिए पत्ता हम लोग बॉइल करके उसमें डुबा देता है. ओ, तो उससे कलर निकलता है ऐसा? हाँ, ब्लैक हो जाता है. ग्रीन जैसा. ओ वाओ. Even this has got very beautiful designs to it. As their tradition goes, they use very very intricate designs when it comes to floral and very nice color combination. ये इधर लगा था ना इनका अथुम 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 अथुम. So this pom pom stuff is called अथुम. और ये क्या? ये पाइवा है. ये भी पाइवा है. ये भी पाइवा. पाइवा ये और ये same है. Same. It's like worn like a stole. I think this is the ulta direction. पड्रोल ना और ये. ये रोल है ना, पड्रोल कहते हैं. पड्रोल, पाइवा, पड्रोल. ऑलराइट. और ये थंगसुआ. ये आपके स्कर्ट के जैसा है.
ये अलग है, ये शॉल है, शॉल, ये शॉल है। इसको उतार के देखते एक बार। So this is by क्या कहते हैं इसको? थंगसुओ। थंगसुओ? थंगसुओ is like a shawl. It's a shawl. Hands getting chill here. So कल पता तो पता नहीं। Probably everybody knows who is feeling more chilled right now. And look who is doing the experiment. And who's looking good, by the way. And moving forward, ये रीसा कहते हैं। रीसा ये छोटा सा कपड़ा है, क्योंकि ये ऐसा बड़ा बना था ना शॉल। हाँ। पूजा किया था ना वहाँ पे, जब पूजा में भी ये लगा देते हैं। ओह, इट्स यूज्ड ओनली फॉर द ट्रेडिशनल वर्शिप रिचुअल्स। रीसा है इसका। रीसा। ओके। इवन दिस हैज गॉट वेरी नाइस डिजाइन्स टू इट। इट हैज स्क्वायर ब्लॉक्स टू इट। लेकिन ड्रेस में ये जो डांस करता है ना, उसमें ये ब्लैक पहनता है। ओके। Why don't you try it once? Black is the traditional color and Yudi is getting excited about a skirt. Do you want to wear it? No. Let me try it. On. I can at least gift it to someone. You never know. Ulta. Not you. For sure. Acha, okay. See, that is called a woman's touch. So, this is how a skirt looks like. Did I drop something? It's okay. So, that is... Arre va. और ये शॉल है, ये शॉल है। जब शादी होता है ना, जब जमाई जो घर छोड़ के ससुराल छोड़ के जाएगा, तो इनको देता है। ओह, wait. Now you should try this on. अच्छा, यहाँ पे भी लड़के ही छोड़ के जाते हैं घर। लड़के घर छोड़ के जाते हैं इनके ट्रेडिशन में। They give this to the groom. बाबुल की दुआएं लेते जा। I hope this groom looks good. So we are almost done with the weaving and it's fascinating. No, you and are not done yet. So this is adding the full moon on your styling. Okay. I mean style fully. Now let me search someone for her here. Do I look like a Khelma? You are. Yeah? What do you call you're looking good in Khelma language? Nasa Sabba. Nasasaba. Nasasaba back to you. Nasasaba sukalpa. What do you say thank you? Karayasan. Wow, Nasasaba Karayasan. So that's all about the fabrics and the weaving part of Khelma. Yes. Jubai. Wow, just look at the ears. इनका कान का छेद इतना बड़ा क्यों है? हम लोग को जाती है सर, खेलमा लोग का कान सब ऐसे ही बड़ा कर देते हैं। और ये कब से बड़ा करना शुरू होता है? क्योंकि ये काफी बड़ा है। बचपन से, मतलब इतना जब जवान है ना इन लोग के जीवन में, लाइक बहुत ज्यादा बड़ा है। सो बचपन से ही आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते हैं। सो गोइंग अहेड, आई थिंक द एल्डरली लेडी, शी इज वेयरिंग a coin neck piece like me. Sumrui. It's really pretty. It's really pretty. Sumrui is really pretty. Probably I'll get one for myself. Isko kya kehte hain jo earring hai usko? Corbett. Corbett. Oh, I forgot to see this. This is quite big. Ye chhed aap upar mein bhi karte ho? Haan, wo bhi chhed aata. Achha, usko kya bolte hain? Toya. Jo upar hai na toya, niche jo hai Corbett. Corbett and Toya. और ये क्या है जो मैं पहन के रखी हुई हूँ? पोनवेल रखा। पोनवेल, ये भी आप लोगों का ट्रेडिशनल है? ओके। और जो उन्होंने डाल के रखा हुआ है वो वाइट क्रिस्टल जैसा, वो भी बनाते हैं इन लोग। वेरी बिग। ओके, ये लोग खुद ही बनाते हैं? ओके। और इन्होंने जो ये डाल के रखा है ब्लू वाला, ये रकाचियल कहते हैं, रक्का चलिए भी आप लोग खुद ही बनाते हो? All right, they are so very independent, but then it's really fascinating and a bit scary, but then
It looks amazing on them. That's the best part. That's the traditional and it looks amazing. Amazing. And one thing I must tell that these Khelma ladies are self-sufficient with their own, like they weave from weaving to jewelry. They make everything by their own, which is self-sufficient in many ways. Like they can do business out of it. They can keep it for themselves. Great, na? Woman Absolutely. Empowerment. Yes. So, again... Yudi's favorite place. My favorite place. But I have so much to ask. See, I'm a foodie, but the food is served right in front of me. But I still have so much of questions because this is the first time I entered into a Khelma village and a Khelma house, which is amazing. I've seen so much of Changar. Trust me, Sukalpa, I've been to many places. Together also, we have been to many places, but never seen such a Changar before because yahan pe har ek jagah partition kiya gaya hai. And it's like designated for certain area. Exactly. This area is designated. Like there is no clutter anywhere. Not at all. Kitchen ke liye apna ek space. Yahan pe logo ke sone ke liye apna space. Right, Khelma ji? Yahan pe ek bedroom mujhe dikhai de raha hai. Wahan pe ek storeroom dikhai de raha hai. Wo bedroom bhi hai. So organized. Itni badhiya se. Aur one very interesting thing that we are into a very, very remote place where electricity is still not there, but you can see ceiling fan and lights here. As you can notice, there is a solar panel right behind me. So they use solar energy. Yuri is like literally gulping down because he's hungry, but then he's also excited. And now coming back to the food part, ladies and gentlemen, as you can see, I am served on a table which is completely made of bamboo and it's... And this actually has a name, he told me about this. What do you call it? Khelma dining table. We call it Maicham. Maicham. The Khelma people, they actually have a proper dining table for per person, which is like really cute. Very cute. Khole? Khole. Okay. The food is served wrapped in this leaves. Yeah, banana leaf. Is this a banana leaf? Okay. This is a banana leaf, yeah. My goodness, so much of rice, I cannot hog this much. I have to make sure that they take some of my rice. And now, these bamboo hollows are used to serve water. They put water inside, you can take it as a jar, or you can directly drink from here like a glass, which is like a really long very glass. Unique. Yes. And this, my dear friends, let me show you. This looks like a container. Yes, this is a container, but it contains dal inside. I think Yudi, this isme kya alkaline dala hai? Khar hai. Dry fish? Dry fish. Oh. It has dry amazing. Fish smell into it. Then there is a small packet here. Let me unwrap it slowly. Oh, chicken. It's chicken, right? Ji. Oh, yes, saath mein ye kya de? Ah. See? It's like a tweezer. But we can call it like, I think it's all the vegetables with the chicken. Yeah, it's like a chopstick as well. Ye kya you diya got the exactly? chopstick? Yeah, it's there only. I didn't get my chopstick. Oh, it I is got there. It's not just sabji, by the way. That's the chopstick. So, isse kya kehte? Isko changlong an bolte. Aur ye jo sabji hai, isko changlong an bolte. Is ye sabji to wahi sabji hai na jo? Chicken hai, jo haan. Haan. और इसमें भी कुछ है देखो तो इस पे वो होलो में इसमें भी शायद ड्राई फिश है जी है यू वांट टू सर्व इट फर्स्ट हां इसको थोड़ा सा सर्व करो साइड में इसमें क्या है आई एम श्योर इसमें मुझे बीन्स दिखाई दे रहे हैं बीन ही है ये इसमें और कुछ बीन विद ड्राई फिश एंड एल्कली इसको क्या कहते हैं आप लोग इसको अनएम बोलते हैं अनएम और इसका भी कुछ नाम है बेपुयन एम बोलते हैं इसको बेपुयन एम Or last bit that I really like the plate which they used to serve for. It's I feel like I came to somewhere very authentic. You know, this looks so tempting right now. But then it's your dish. Yes, this is my dish. This is pork with rice powder, right? जी जी. Rice powder के साथ बनाएंगे. हाँ जी. Amazing. So, इतना सारा एक साथ नहीं ले रहा हूँ मैं धीरे धीरे एक एक करके टेस्ट करता हूँ सबसे पहले तो मैं Look at the pork. बीन के साथ टेस्ट करूंगा तो मैं पहले एक बार दर्शकों को बोल देता हूँ how's the taste? So, Thank you. सबसे पहले I will try. ये आप भी ले लीजिए ये खेंथिंग बोलते हैं हम इसको खेलवा भाषा में ओके थैंक यू
The best part about the Khelma food is very authentic, very raw. They don't use spices. It's everything homely, friendly, and it's very good for your health. Khelma ji, bahut acha laga aake. Finally, our beautiful day ends here, and it's time for us to say alvida from these beautiful people who actually hosted us with the bestest possible they can. I will never ever forget such humble people, and I'll promise them, and I promise ki main wapas zarur aunga, aap log se milunga zarur, kyunki itna chota sa gaon hai, utna pyar hai inme, jo kahin dekhne ko nahi milta. Absolutely true. And as we start our next journey, but this again is another block for our memory. Uh-huh. And then we should not waste more time here. It's almost about to get dark, so let's move. Yes, and ladies and gentlemen, keep watching your favorite show, Crimson Heart. This is Yudi and Sukalpa signing off for today's episode. See ya. Thank you. Bye-bye. Thank you. There we go.